माँ तुम ऐसी होती हो। विमल बहुत परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो, विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लफ्जे में कहा। माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था, अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊँचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है, मैंने कर दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मना स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गाँव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएँ कर आएंगे ना, कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है, डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गाँव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गाँव के घर में पहुँचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया,
अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने बिमल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, बिमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर बिमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा बिमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोना मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जल धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। बिमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो बिमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा, अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। बिमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आँख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और बिमल को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी।